In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Her painting isn't just an art. It's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के लखीमपुर में शारदा बैराज पर उस समय हड़कंप मच गया जब नदी पार करते समय नाव पलट गई। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने सर्च व रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने ग्रामीणों की मदद से नाव पर सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। नाव पर लगभग 15 लोग सवार होना बताए जा रहे हैं। सभी को सकुशल बाहर निकालने जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। दरअसल शारदा बैराज पर नदी किनारे एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट सभागार में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारियों में डीएम महेंद्र बहादुर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिंचाई विभाग, फायर सर्विस, पीएससी, जिला पुलिस होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का नेतृत्व कर रहे एनडीआरएफ के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र से आए उप कमांडेंट अनिल कुमार पाल ने बताया कि हाल ही में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस तरह की घटना होने पर किस तरह बचाव कार्य किया जाए। मॉक ड्रिल में 11 एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम में निरीक्षक अजय सिंह यादव, जितेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक रंजन जायसवाल, जिला प्रशासन की ओर से एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम निघासन राकेश कुमार, तहसीलदार सदर सुशील प्रताप, राम शंकर भार्गव सहित रेस्क्यू एवं गोताखोर शामिल रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।